अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें अंदर अक्सर जो है क्रैक आते हैं, जो पार्टीशन वाले उसके, ये क्रैक क्यों आते हैं, इसका क्या रीज़न है और उसको हम किस तरह कवर कर सकते हैं, तो आज हमारा टॉपिक इसके ऊपर है। ये हमने बेसिकली बनाए हैं उसके कंक्रीट मेसनरी यूनिट्स, जिसको हम कंक्रीट ब्लॉक कहते हैं, और इसके ऊपर ये क्रैक आया। इस क्रैक को हमने खोल दिया, अंदर से साफ कर दिया, इसको ऐसा करके पूरा हमने क्रैक साफ कर दिया। साफ करने के बाद हमारे पास दो किस्म के केमिकल आते हैं, एक होते हैं SBR टाइप, बेसिकली SBR नहीं होता, लिक्विड टाइप होते हैं और सेम तकरीबन SBR की तरह होते हैं। और तो हमारे पास दो किस्म की केमिकल हैं, ये जो हमारे पास है इसके अंदर है लिक्विड, बिल्कुल वाइट होता है लिक्विड, इस तरह SBR होता है, और ये हमारे पास है सीलेंट, ये बिल्कुल वलपुटी की तरह होती है, हमारे पास है सीलेंट। सबसे पहले आप लोगों ने सारे जॉइंटों को साफ करना है, जॉइंट को साफ करके उसको ब्लोर करना है, ब्लोर करने के बाद आप लोगों ने जो हमारा लिक्विड है केमिकल वो डालना है, उसको डाल के फिर थोड़ा सब्र करना है, और उसके बाद जब वो पूरा जज्ब हो जाए उसके बाद फिर आप लोगों ने थोड़ा सा और डालना है ब्रश के जरिए डाल के ना, उसके बाद आप लोगों ने ये सीलेंट जो है उसके ऊपर लगाना है, जिस तरह ये हम सीलेंट स्क्रैपर के जरिए लगाते हैं, ये हमारे क्रैक है, इसके ऊपर हम ये सीलेंट लगा रहे हैं ऊपर ये क्रैक को। अच्छा, जब आप लोग इसको एक बार लगा देंगे ये थोड़ा सा बैठ जाएगा, फिर आप लोगों ने ना थोड़ा सा इंतज़ार करके फिर लगाना है, 3-4 दफ़ा लगा के ना फिर ये नहीं बैठेगा, और आखिर में आप लोगों ने इसके ऊपर वॉल पुट्टी करना है, रंग की वॉल पुट्टी करना है, और वॉल पुट्टी करने के बाद इसके ऊपर रंग करना है, तो इंशाल्लाह जो क्रैक है वो ख़त्म हो जाएगा। क्रैक आया था, इसके ऊपर हमने ये केमिकल अप्लाई किया, और इसी तरह ये 3 दफ़ा हमने अप्लाई की, अभी देखिए ये नहीं बैठ रहा, इसके ऊपर आप लोगों ने वॉल पुट्टी लगा के और इसके ऊपर रंग करना है, ये बहुत आसान तरीका है, और जहाँ भी दीवार में क्रैक आएगा तो आप लोग इसको इस तरह अप्लाई कर लो।